अगले कॉलर हैं रविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्ते सर। जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी। हमारे जो घर भाई है उनकी उम्र है 50 साल, तो ठीक है। उनके घुटनों में दर्द है और उनके पैरों में दर्द और पैरों में सोई है और गठिया बाव की शिकायत है, तो उनको उनको क्या दें? अच्छा देखिए, किसी भी किस्म का दर्द हो, घुटनों में हो या गठिया बाएं हो या पैरों में हो या कमर में हो, इस उम्र में ज़रूर आता है हर शख्स को, किसी को 2-4 साल बाद, 2-4 साल पहले। तो एक तो ऐसे रोगियों के लिए घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा तो घुटनों में दर्द कम रहेगा। कुछ लोगों का वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करने से ठीक भी हो जाता है, और ऐसे लोगों को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए जब तक इलाज चले। ये पहले हिदायत बता रहा हूँ, फिर इलाज बताता हूँ। अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा भून लें अलसी को, 200-300 ग्राम अलसी ले लीजिए, हल्का सा भून कर पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गोंद, सियाह काला गोंद, ये असली लेना, ये नकली बहुत आता है। गोंद सियाह खरीद कर इसको पाउडर बना लें, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसको अलग पाउडर बनाकर रख लीजिए। आधा चम्मच अलसी और 2 चुटकी गोंद सिया इसमें मिलाकर आप सुबह नाश्ते के बाद अपनी पत्नी को दें। फिर से बताता हूँ, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और 2 चुटकी गोंद सिया इसमें मिलाकर अपनी पत्नी को खिला दें नाश्ते के बाद, पानी या दूध से। और ऐसे ही रात को खाना खाएं तब इसी तरह आधा चम्मच अलसी और 2 चुटकी गोंद सिया खिला दें, बस काफ़ी है उनकी बीमारी के लिए। अगले कॉलर हैं जय नारायण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मेरे को एलर्जी है जी, हाथ पूछे थोड़ी धूल मिट्टी से, और वैसे हाथ पूछे क्या हो गया है, हाथ पैरों में एलर्जी में क्या हो गया, दाने निकल आए हैं क्या? नहीं, वैसे एलर्जी है मेरे को सांस की। छींकें आती हैं? अच्छा, हाँ ठीक है, आती है वो खांसी उठती है, फिर मेरे को सांस तक फूल जाता है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो जी मेरी 50 साल है। काम और काम क्या करते हैं आप? तो जी खेती बाड़ी का ही करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा देखिए, जिनको भी ये एलर्जी होती है उसका सीधा मतलब ये होता है, हमारी जबान में खून की सर्दी, हमारे हिकमत में और वैद लोग ये कहते हैं कि खून में सर्दी है। खून में सर्दी उन लोगों को होती है जिन के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। मैं भी आपको एक नुस्खा बताता हूँ, और इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं फ़ायदा होने में। शर्त यह है कि खट्टी चीज़ें ऐसे शख्स को नहीं खानी चाहिए जिसको एलर्जी होती है। तो सपिस्तान, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, तीन चीज़ें बता रहा हूँ। सपिस्तान एक दवा है, उन्नाब एक दवा है, अलसी एक दवा है। अलसी आप जानते होंगे, सपिस्तान उन्नाब नहीं जानते होंगे। ये उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देनी होती है और इनको कूट पीस के पाउडर बनाना होता है, और इस पाउडर को, इस चूरन को आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी या चाय पी लें, और 1 चम्मच रात को सोते समय खाएं, गर्म पानी या चाय पी लें। और याद रखें, ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी होती है उन्हें दूध भी नुकसान देता है। 6-7 महीने अगर इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।
पंजाब से हैं परमिंदर जी, स्वागत है आपका। आदाब भाई पंजाब वालों, बोलिए सर। जी सर, वालेकुम सलाम, बताएं। स्वागत आपका भाई, बहुत बहुत। हाँ जी, वकील साहब नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत आपका। मैं जी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो मेरे को पेशाब पीला आता है जी। और दूसरा जी, मेरे ना यूरिक एसिड जो थोड़ा होता रहता है, ये बार कोर्ट में काली थी तो मेरे को यूरिक एसिड था थोड़ा सा। ठीक है, दो प्रॉब्लम है जी मेरे को। उम्र कितनी है? 56। ठीक है सर। यूरेटर क्या बता रहे हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो देखिए, यूरिक एसिड वालों को सबसे पहले खट्टी चीज़ बंद कर देनी चाहिए, उससे यूरिक एसिड की कमी होने लगती है और कंट्रोल भी हो सकता है। और एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आपके यूरिक एसिड को भी कम करेगा और पेशाब के जो पीला आता है उसमें भी फायदेमंद है। एक तो ये कि पेशाब जिनको पीला आता है, सबसे पहले वो 2 से 2.5 लीटर पानी रोज़ाना पी कर देखें, उससे भी पेशाब में बड़ा फ़ायदा होता है और इससे यूरेटर को भी बहुत फ़ायदा होता है, इन्फेक्शन में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर सिर्फ पानी पीने से आपका पेशाब साफ़ हो जाता है 2-2.5 लीटर, तो फिर कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, एक आती है लाजवंती, लाजवंती एक दवा का नाम है, बहुत मशहूर दवा है। बारीक बारीक दाने होते हैं, पानी में डालो तो पानी जम जाता है, मुंह में डालो तो मुंह से निकलना मुश्किल हो जाता है, एकदम उसमें एक लवाब पैदा होता है और वो तार बनाता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है उससे जो मुंह को भी जाम कर देता है। तो एक आती है लाजवंती और एक आती है अलसी। ये दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें और इनको बारीक पाउडर बना कर रख लें। और एक आता है नमक जैतून, ये नमक जैतून अलग रखें, 2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और 1/2 चम्मच लाजवंती और अलसी का जो पाउडर है ये खाएं। और ये नमक जैतून, असली नमक जैतून लें, ये पानी पी लिया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इलियास साहब हैं जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं क्यों साहब? बड़ा अल्लाह का एहसान, आप फरमाएं कैसे हैं? बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप दुआएं हैं। अक्षिम साहब, आपने काफ़ी इंतजार कराया और ये इंतजार कितना मजा है ये हमें पता है। अकीम साहब आए, उनसे हम बात करेंगे। अकीम जी, हमारा ये सवाल है, आप जी खाना खा रहे खट्टी डकारे आने लगती है, क्या बात है? खट्टी डकारे आती हैं जी। ठीक है, ठीक है सर। अपने खाने में अदरक लहसुन और ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखिए, हमारी जो ख्वातीन हैं, महिलाएं हैं, वो इतनी सी अदरक लेती हैं, इतना सा लहसुन और इतना सा ज़ीरा, इतनी अदरक, इतना लहसुन और इतना थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा सालन में डाला करें, तो इससे खट्टी डकारें भी आना बंद हो जाती हैं, हाजमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इजाबत बहुत अच्छी होती है। सौंफ खाया करिए चबा के खाने के बाद। ये पहले दस्तूर था कि खाने के बाद सौंफ और नारियल मेहमानों को दिया जाता था, ये चीज़ें भी हमें हाजमे में और एसिडिटी में, कब्ज़ में बहुत फ़ायदा करती हैं जी। हरियाणा से हैं वीरमती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते मैम जी, पूछना था जी सवाल। पूछ लीजिए। वो तो टीवी में देख रही थी जी। ठीक है। राम राम मान। जय हिंद, स्वागत आपका, बताइए क्या सवाल है? एडिया में दर्द था जी।
एड़ियों में दर्द है? हाँ। तो देखिए, एड़ियों में दर्द किसी के हो, या पिंडलियों में हो, या घुटनों में हो, या कमर में हो, या मोंडों में हो, दुनिया की सबसे अच्छी दवा, कच्ची दवा, रॉ मटेरियल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी के कहीं भी दर्द हो, ये असली दवा ले लेना जो मैं बता रहा हूँ। गौंद स्याह, ये नकली बहुत मिलता है, असली गौंद स्याह खरीदें, और ये कच्ची दवा है, इसको पाउडर बना लें, कूट पीस के पाउडर बना लें, और दो चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खाएं और पानी या दूध पी लें, दो चुटकी, ये चुटकी है, और दो चुटकी रात को खाना खाएं तब खा लें, बस काफ़ी है आपके किसी भी तरह के दर्द के लिए। अगले कॉलर हैं जय नारायण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम मेरे को एलर्जी है जी, हाथ से थोड़ी मिट्टी से और से। क्या हो गया है हाथ पैरों में, एलर्जी में क्या हो गया, दाने निकल आए हैं क्या? नहीं, वैसे एलर्जी है मेरे को, सांस की छींके आती है। अच्छा, हाँ छींके आती है, वो खांसी उठती है, फिर मेरे को सांस तक फूल जाता है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो जी मेरी 50 साल है। और काम क्या करते हैं आप? काम तो जी खेती बाड़ी का ही करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा देखिए, जिनको भी ये एलर्जी होती है, उसका सीधा मतलब ये होता है हमारी जबान में, खून की सर्दी। हमारे हिकमत में और वैद लोग ये कहते हैं कि खून में सर्दी है। खून में सर्दी उन लोगों को होती है जिन के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। मैं भी आपको एक नुस्खा बताता हूँ, और इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं फ़ायदा होने में। शर्त यह है कि खट्टी चीज़ें ऐसे शख्स को नहीं खानी चाहिए जिसको एलर्जी होती है। तो सपिस्तान, सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, तीन चीज़ें बता रहा हूँ। सपिस्तान एक दवा है, उन्नाब एक दवा है, अलसी एक दवा है। अलसी आप जानते होंगे, सपिस्तान उन्नाब नहीं जानते होंगे। ये उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक देनी होती है, और इनको कूट पीस के पाउडर बनाना होता है, और इस पाउडर को, इस चूरन को आप सुबह खाली पेट एक चम्मच खाएं, और गर्म पानी या चाय पी लें, और एक चम्मच रात को सोते समय खाएं, गर्म पानी या चाय पी लें। और याद रखें, ऐसे लोगों को जिनको एलर्जी होती है, उन्हें दूध भी नुकसान देता है, कुछ दिन के लिए दूध भी पीना बंद कर दें, नींबू खट्टा वट्टा कुछ भी खाना बंद कर दें। 6-7 महीने अगर इलाज करें तो आपको फायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है रविंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हमारा जो घर भाई है उनकी उम्र है 50 साल। ठीक है। तो उनके घुटनों में दर्द है और उनके पैरों में दर्द और पैरों में सोई है और गठिया भाव की शिकायत है, तो उनको उनको क्या दें? अच्छा देखिए, किसी भी किस्म का दर्द हो, घुटनों में हो या गठिया बाय हो या पैरों में हो या कमर में हो, इस उम्र में ज़रूर आता है हर शख्स को, किसी को 2-4 साल बाद, 2-4 साल पहले। तो एक तो ऐसे रोगियों के लिए घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा तो घुटनों में दर्द कम रहेगा। कुछ लोगों का वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करने से ठीक भी हो जाता है। और ऐसे लोगों को झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए जब तक इलाज चले। ये पहले हिदायत बता रहा हूँ, फिर इलाज बताता हूँ। अलसी को हल्का सा भून लें, हल्का सा भून लें अलसी को, 200-300 ग्राम अलसी ले लीजिए,
हल्का सा भून कर पाउडर बना के रखिए। और एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद, ये असली लेना, ये नकली बहुत आता है। गोंद सियाह खरीद कर इसको पाउडर बना लें, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसको अलग पाउडर बनाकर रख लीजिए। आधा चम्मच अलसी और दो चुटकी गोंद सियाह इसमें मिलाकर आप सुबह नाश्ते के बाद अपनी पत्नी को दें। फिर से बताता हूँ, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और दो चुटकी गोंद सियाह इसमें मिलाकर अपनी पत्नी को खिला दें नाश्ते के बाद, पानी या दूध से। और ऐसे ही रात को खाना खाएं तब इसी तरह आधा चम्मच अलसी और दो चुटकी गोंद सियाह खिला दें, बस काफ़ी है उनकी बीमारी के लिए। 3-4 महीने इलाज करें तो फ़ायदा मुमकिन है।